हेलो गाइस, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और एक दास होने वाली है, क्योंकि गाइस आज हम वीवो एक्स 90S का फर्स्ट रिव्यू और फर्स्ट अनबॉक्सिंग आपके सामने पेश कर रहे हैं। और गाइस, हाल ही में फ़ोन लॉन्च हुआ है, देखते हैं क्या क्या अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमें यहाँ पर बॉक्स मिल जाता है जो कि ब्लैक रंग का बॉक्स है वीवो एक्स 90S का, जो कि भाई यहाँ पर हमें देखा 19 एशियन गेम्स की यहाँ पर लोग जो कि देखने में 12 GB रैम, 512 GB स्टोरेज इस फोन के अंदर देखने में जाते हैं। सील ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हमें समय ऊपर फोन देखने को मिल जाता है 120 वोल्ट का अडैप्टर, जो कि आपके कंप्यूटर को भी या लैपटॉप को चार्ज कर सकता है। सिम इजेक्टर टूल यहाँ पर देखने को मिल जाती है, एक सिलिकॉन कवर, कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ फ़ोन ऐसा है और रैपर हटा लेते हैं एक बार फ़ोन का। रैपर हटाने के बाद फ़ोन बहुत ही प्रीमियम और एक ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ फ़ोन आता है। बैक में आपको ग्लास की फिनिशिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर देख सकते हो दो ऊपर नीचे तक ये साइज है ना, बहुत अच्छा, मतलब एक अलग ग्लास में दिया हुआ है अलग सा, जो कि भाई फोन को और भी डिफरेंस बनाता है। गाइज, फ़ोन के अंदर आपको हम जो कि भी एक और फ़ोन लॉन्च हुआ था वीवो एक्स 90, दोनों का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर दोनों की लुक लगभग सेम ही है। यहाँ पर आपको कैमरा मॉड्यूल और तो फ्लैश लाइट ये भी एक लोग जिग जैक्स लोग यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि सेम है बिल्कुल। यहाँ पर एक वो जो कि साइनिंग वाली पट्टी है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है दोनों फ़ोनों के। यहाँ पर लेदर फिनिशिंग फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि वीवो एक्स 90 में देखने को मिल जाती है लेदर फिनिशिंग, और दूसरे में हमें मिल जाती है जो कि ग्लास की फिनिशिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एक ग्लास में एक लेदर फिनिशिंग में फ़ोन देखने को मिल जाता है। लेकिन जो कि भाई आपको परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों का मतलब अलग अलग परफॉर्मेंस है, क्योंकि जो एक्स 90S है ना, तो वीवो एक्स 90 थोड़ा बढ़कर है। थिकनेस की बात करें दोनों का बिल्कुल सेम है, ऊपर से आपको डिज़ाइन बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा क्योंकि फ़ोन लगभग सेम ही है। और सॉफ्टवेयर की बात है या UI की ओरिजिन OS UI इसके अंदर दोनों के अंदर काम करता है। MediaTek का प्रोसेसर 9200+ एक्स 90S में और एक्स 90 में 2920 यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि आई कोर्टेक्स X3 3.35 GHz और उसमें आपको कम देखने को मिल जाता है 3.05 GHz, और नीचे हमें यहाँ पर कोर्टेक्स 8715 3.0 GHz का देखने को मिल जाता है। वहीं पर दूसरे 3X कोर्टेक्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि 2.85 GHz देखने को मिल जाता है। गाइज, फ़ोन के अंदर आपको 4X कोर्टेक्स देखने को मिल जाए तो 2.0 GHz पर चलता है, और A510 जो कि भाई 4X है जो कि वहाँ पर चलता है। तो गाइज, यहाँ पर जो कि बेंच जो कि भाई हमारा एंटीटू स्कोर देख सकते हो यहाँ पर, जो वीवो एक्स 90 ने बहुत ज़्यादा अपनी जो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ग्रो किया, करीबन 7% तक वहाँ से वीवो एक्स 90 से आगे निकल चुका। गीक बैंक की बात करें तो यहाँ पर 6 में तो यहाँ पर वीवो एक्स 90S ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जो कि वीवो एक्स 90 से मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गाइज ये फ़ोन अभी आया तो बेहतर तो होगा ही यार। तो गाइज, इसके अंदर आपको 8% तक की जो देखने CPU की बात है वहाँ पर 10% या पर 15% तक की जो लगभग इतनी ही हो सकती है। गेमिंग के मामले में बहुत दोनों फ़ोन बहुत ही अच्छे हैं, और जो कि टेम्परेचर वाला यहाँ पर 42 पॉइंट यानी 42.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देखने को मिल जाता है टेम्परेचर गेमिंग के मामले में। और गाइस, कैमरे की बात 50 MP मेन कैमरा है, सोनी IMX 860 सेंसर देखने को मिलता है, जो 12 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा और 12 MP का जो कि पोर्ट्रेट लेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि वही सोनी IMX के ये कैमरे हैं। ये कुछ क्लिक की जो भाई क्लिक की हुई है जो आप देख सकते हो कैमरे से। और गाइज, यहाँ पर जिग का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि भाई आपके फ़ोन को और भी बेहतरीन जो फोटो क्वालिटी है और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देता है। और गाइज, फ़ोन की फ़ोटो देख सकते हो बिल्कुल एक अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। और गाइज, इसके अंदर आपको इसके अंदर जो कि BEQ की 9 की डिस्प्ले देखने को मिल जाए, 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। रेसो की बात है 20:9 स्क्रीन रेसो यहाँ पर देखने को मिल जाए। हाई फ्रीक्वेंसी PMW डैमिंग भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाए। चार्जिंग की बात करें यहाँ पर 4810 mAh की बैटरी और 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ फ़ोन आता है। और गाइस, इसके अंदर आपको चार्ज जो 5 मिनट में आपका फ़ोन 22% चार्ज हो जाएगा, 15 मिनट में 57% और 25 मिनट में 86, और जो कि फुल चार्ज 33 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा फ़ोन। तो गाइस, ये था हमारा वीवो एक्स 90, तो फ़ोन कैसा लगा हमें एक बार जरूर बताना। तो गाइस, फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में हमने बात कर ली है, और फोन आपको कैसा लगा है ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस, ऐसी नई नई वीडियो और टेक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सबसे पहले वीडियो अपलोड होती है, तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लीजिए ऑन। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।